यार मुझे इतनी टेंशन हो रही है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे तुम्हें टेंशन हो किस बात की रही है? टेंशन लेने से क्या होगा? अच्छा वो शादी की तैयारियां कर रहे हैं, तुम चाहते हो कि कल जब शादी के कार्ड सबके आ जाए तब परेशान हूँ? अच्छा क्या कह रहे हैं वो? अरे वो तो कह रहे हैं कि तुम्हारी मर्जी है कि तुम उन्हें अम्मी कहो या आंटी। अरे वाह क्या बात है, ऐसा बाप तो नसीब वालों को मिलता है। तुम बेकार की फजूल बातें कर रहे। और तुम्हारे बाबा जो कर रहे हैं वो क्या? तुम मुझे बस इस मसले का हल बताओ। अच्छा काम करो, तुम अपने बाबा को ये बोलो कि मैं उनसे रिश्ते की बात करने गई थी लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि वो अपने कजन से मोहब्बत करती हैं। कैसा कैसा आइडिया दिया है ना? अच्छा है ना? और फिर जब उन्हें ये पता लगेगा कि वो किसी और से प्यार करती है तो वो उन्हें ऑटोमेटिकली भूल जाएंगे। मुझे तुम्हारे बेकार की बातें कुछ समझ नहीं आ रही है, मैं खुद ही कुछ हल निकाल लूंगी। अरे तुम क्या करोगी? हाँ देखना मैं खुद ही हल निकाल लूंगी इसका। अच्छा चलो बताओ क्या हल है बताओ। पापा को क्या बोलूं मैं, कह देती हूँ शूटिंग से आते उनका एक्सीडेंट हो गया। वाह क्या आइडिया है, वाह अच्छा लग रहा तुम्हें आइडिया मेरा। अरे क्या खाक अच्छा है, वो एक एक्ट्रेस है, उसकी खबर अखबार में कैसे लगवाओगी? और अगर तुम्हारे बाबा ने कहा कि मुझे मिलने जाना है तो किससे मिलवाओगी? तो क्या करूं आयान, उस औरत को कैसे रोकूं घर पे आने से? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे घर का मसला और तुम ही संभालो। अच्छा मेरे घर का मसला है और तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है इससे? अरे मतलब मेरा भी मसला है लेकिन कहने का मकसद ये था कि तुम अपने बाबा के नेचर को जानती हो, तुम ही कोई आइडिया सोचो कि क्या हो सकता है कि वो मान जाए। अच्छा चलो मैं कोई हल निकाल लूंगी, अभी चलते हैं।